ये पुराना मॉडल, ये नया मॉडल। और अभी तक मूवी कैसी लगी? अभी तक ठंडा ना वैसे बहुत ज़्यादा। और लेने 10 मिनट का है ना? आप कभी MMS बना दो क्या? ओए YouTube पे डाल दूंगा, बहुत व्यू आएंगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज कितने सालों के बाद मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ मैं मूवी देखने के लिए। अरे मैं तो मतलब बहुत बार गया हूँ, मतलब मैंने अपने होश में नहीं देखा अपने पेरेंट्स को जाते हुए। तो अभी हम देखेंगे 3D में ब्रह्मास्त्र, 10 बजे का शो है। उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, फिर वापस आएंगे। बाकी एक्चुअल कितने सालों के बाद जा रहे हैं मम्मी पापा मूवी देखने के लिए, वो मैं उनसे पूछ के बताऊँगा। रास्ते में ये पास वाले मॉल में ही जा रहे हैं, जो पहले भी आपको काफ़ी बार दिखाया, पैदल ही पहुँच जाते हैं बस। तो चलो चलते हैं। अरे बता दो कितने टाइम के बाद जा रहे हो आप लोग मूवी देखने के लिए? मूवी देखने के लिए 1 मिनट, मैं आ गया हूँ। आपकी तो पीठी कैप्चर हो रही है। 99 का तेरा बर्थ है? हाँ जी। और 95 में गए थे हम। अच्छा, जब भैया होने वाले थे, भैया भी नहीं हुए थे। अच्छा, उसके बाद 95 के बाद अब तो जबरदस्ती लेके जा रहा है। अरे इतने क्यों नहीं गए थे, अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी? अरे वीडियो नहीं बन रही, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के। इस नॉलेज का मैं क्या करूँगा? नहीं, अगर बाई चांस एक्टिवा पे आ रहा है या मोटरसाइकिल पे आ रहा है, तुझे पता होना चाहिए कि 157 एक्टिवा नीचे खड़ी हो सकती है। बातों में भी गाड़ी की पार्किंग की बात नहीं करी मेरे साथ भाई। जिंदगी में विदाउट गाड़ी थोड़ी ना रहूँगा मैं, और 1 साल में ले लेनी हमने। अरे भाई, जब गाड़ी होगी तो तू यहाँ थोड़ा होगा। हाँ ये भी बात है, इंशाल्लाह टाइम से पहले आओ ना। तो पूछते हैं कहाँ जाना है सर? अभी बम प्लान करने जा रहे हैं, दिमाग का मैं ही करूँगा। आज दिवाली मनाऊंगा इनकी। कब आया था मैं इधर? हाँ आप आए थे। क्या लेने आए थे? जब आपकी जीन ली थी, ये शर्ट ली थी। नहीं मैं तभी आए थे। आप कितने साल हो गए यहाँ आए को? साल हो गए, 2 साल। तो कहीं नहीं घुमाता तू? तू आप घूमता सारी जगह, अपने मम्मी को घुमाता या अपने बंदी को घुमाता? काय की बंदी, बंदी मुझे घुमाती है तो। और पर ये बात है कि अभी भी मैं मूवी के लिए सोच रहा था ना, पहले सोचा टिकट करा के बात करूँगा, पर ये था कि भाई मुकरी ना जाए, हम नहीं जाएंगे, तो पहले बात कर ली थी प्यार से। पर चलो बढ़िया भाई, 3D में देखेंगे। एक तो इतने साल बाद मूवी, और वो भी 3D, मज़ा आएगा। ब्रह्मास्त्र देखते हैं फिर। हाँ हाँ, अरे पापा तो अपने टाइम की बात करें कि मैं तो समोसे खाऊंगा और लस्सी पीऊंगा। इधर से ही जाएंगे। आप तो अपने टाइम की बात करते हो कि समोसे और लस्सी भी हो, वो नहीं मिलती लस्सी? कोक मिलेगा, कोक मिलता है। समोसी, समोसे ठंडे होते हैं। हाँ ठंडे का लेना है, वही तो मजा आता है। अरे पॉपकॉर्न खाते हैं हम। मैं खाऊंगा नहीं, फैशन नहीं तो हो ना। चलो समोसे खा लेना भाई, खाते हैं। चलो बढ़िया, जैसा जिसको पसंद हो। अब बाकी सीढ़ियाँ उधर से है। बंद है मॉल सारा। जब हम आएंगे वापस तो खुल जाएगा सारा। जब हम मूवी देख के निकलेंगे तो खचा खच होगा। पहले जब मैं लांटे में जाता ना अकेले मूवी देखने के लिए, तो तब तो 9:30 वाला शो था, तब तो बिल्कुल खाली होता था। अच्छा। जब जाना तो वापस आते तो ऐसे खचा खच भरा होता था। एक यहाँ पर पहले वो था सेकंड वाइफ बार रेस्टोरेंट, तो वो तो होगा ऊपर है, ऊपर है सेकंड। अरे अंदर थोड़ी, मेरे चाचे का वो थोड़ी है भाई। चलेगा अपने आप, ये एनर्जी सेविंग मोड पे चल जाता है, जब कोई नहीं होता तो रुक जाता है। हाँ एनर्जी सेविंग होती है ना, वरना बिजली वेस्ट होती रहेगी। बहुत बढ़िया है ना। अच्छा। मैं अपने वहाँ पे मरिंडे यही लिखवाऊंगा ना। ये है आपके साथ फर्स्ट वाइफ, वो आप मोरा सेकंड वाइफ। बहुत मस्त है ये भी। पहले ये मुरंडा के रास्ते में था, अब ये हमारे घर के पास आ गया। खड़ो पापा, सेकंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ, पुराना मॉडल, ये नया मॉडल। नहीं मैं ना कह रहा था कि थोड़ा लेट चलते हैं, 5-10 मिनट वाले चलेंगे, क्योंकि पास में ही है। मैं अकेला तो मैं 5 मिनट पहले निकलता हूँ, फटाफट पहुँच जाता हूँ। पर नहीं, जल्दी चल। तो अब आगे 20 मिनट पहले खड़े हैं यहाँ पर, घुमा रहा हूँ, मतलब ब्लॉग बना रहा हूँ भाई। वो बहुत चलो
अपनी तो आदत है भाई, 18-20 हज़ार स्टेप पूरे कर लेता हूँ दिन के। वैसे ही अपने को चलने की तो पूरी आदत है, कोई टेंशन नहीं है, चल के नहीं सकता अपन तो चलो। बहुत अच्छा से एक ना अच्छे से वाइब आती है। और मेरा मानना है कि ना मैं ये कर रहा हूँ ठीक है, जब मैं मूवी देखने के लिए लेके आया हूँ जैसे पापा कह रहे हैं, या मैं शॉपिंग के लिए कह रहा हूँ, तो वो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहा, वो ये सब खुद भी कर सकते हैं। मेरे फादर खुद क्या मतलब अब तो अच्छी खासी शॉपिंग, अच्छी खासी मूवी वगैरह खुद देख सकते हैं। पर ये होता है कि अगर तुम अपने माँ के लिए कुछ करोगे ना, तो जो तुम्हें सल्यूट है ना वो जीते जी तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीते जी सल्यूट तभी मिलेंगे जब तुम दुनिया का करोगे। माँ बाप का करने से कोई नहीं पूछता, पर ये शाबाशी तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद मिलेगी। जहाँ ऊपर लेखा जोखा लिखा जाता है ना, वहाँ ये सब लिखी जाती है कि हाँ तुमने अपने माँ बाप को किस तरह रखा ठीक है। क्योंकि भाई हर चीज़ ज़िंदगी में, हर रिश्ता एक बंदा कारणवश करता है किसी पर, एक माँ बाप का रिश्ता है जो बंदे को खुदा से मिला हुआ है, ऊपर वाले से मिला हुआ है ठीक है। तो इसको संभाल के रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से मेरा मानना ही है, मतलब जितना तुम जुड़े रहोगे अपनी जड़ों के साथ ठीक है, उतना अच्छा है। मान लो एक पेड़ है, पेड़ की रूट्स है माँ बाप, और जो बीच के पेड़ का तना है वो हो आप, जो उसकी टानियाँ निकल रही है वो है आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, शरीका आपका सारा वो है, और जो पत्ते हैं वो आपके यार दोस्त। तो पत्ते भी झड़ेंगे, टानियाँ भी टूटेंगी, पर अपने जड़ों पर कंट्रोल रखो ना तो पेड़ खड़ा के खड़ा ही रहेगा। और ये दुआएँ भी बहुत देते हैं माँ बाप, उनके लिए तुम कुछ बहुत बड़ा कर ही नहीं सकते हो, सब जो भी करो वो छोटा ही है, पर उनको खुशी दो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर तुम अपने माँ के चेहरे पे खुशी देख रहे हो ना, उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं। मुझे पूछो, मैं लेके आया हूँ उनको, और पैसे छोड़ो, जो उनको मुँह पे खुशी देखने को मिल रही है ना वो अनमोल है। और माँ बाप की दुआओं में सबसे ज़्यादा असर है, उनकी बददुआओं में भी। याद है आपको जब हम 2 साल पहले आए थे, हमने यहाँ KFC मंगाया था, और फिर ये सुपर 99 गए थे, जब हर सामान के प्राइस के एंड में 99 होता है। कई लोगों को ये वहम होता है हर सामान 99 का मिलेगा, पर नहीं, 99, 199, 299 ऐसे होता है, है ना। हम जब वाले स्टोर में हम जब आते रहे हाँ। पहले भी जब हम ये KFC बहुत खाते रहे हाँ। तो KFC का बहुत शौक था, और मेरे फ्रेंड का था ना पहले, तो बहुत खाया यहाँ पर। ये वाली मूवी है हमारी, बहुत बहुत मस्त मूवी है। पहले मुझे लग रहा था कि बोर हो गए, मैंने पहले भी देखी हुई है ये ठीक है, जब मैंने देखी है कुछ टाइम पहले ठीक है। पर ये मूवी आप देखोगे ना, कॉन्सेप्ट बेस है, और ये इकलौती मूवी ऐसी लगती है। इसको लोग क्रिटिसाइज़ बहुत कर रहे थे, पर ये मूवी है जिन्होंने हमारे अस्त्रों के बारे में, हमारी थोड़ी सी ज़्यादा डीप नहीं गए, पर हमारे ग्रंथों की नॉलेज दी है। टॉप फ्लोर पे जाना है, आराम से लेट के देखना, मजा आ रहा है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं मूवी, ये तो बेचारे चप्पले खोल के बैठे हैं ऊपर मस्त। वॉशरूम वगैरह जाना है हाँ। और अभी तक मूवी कैसी लगी है? अभी तक ठंड है ना वैसे बहुत ज्यादा, अरे ठंडी नहीं कम करके देते ये तो। इन्होंने मसूरी बना रखा है, जन्नत दिखा दी है। अरे जन्नत क्या मसूरी दिखा दी आपको मैंने, ये लोकल ही। कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया यार, नजारा आ गया देख के। मूवी का रिव्यू दो। मूवी भी बहुत बढ़िया है, मस्त है ना। लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को भी अच्छी तरह से दिखाया गया। देखने की ये हमारे अस्त्रों शस्त्रों के बारे में हाँ। जानकारी मिलती है। इसमें क्या हाँ। लास्ट जो मतलब मैंने हाँ। क्या उसमें जो मोरल ऑफ स्टोरी हाँ। 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 मतलब ब्रह्मास्त्र किसे बोलते हैं? सिर्फ एक प्यार, जो अगर प्यार है तो ब्रह्मास्त्र की तरह चलता है। अच्छा, पर अभी तो वॉशरूम की तरफ भाग रहे हैं भाई, बहुत ठंड थी अंदर। अब हम चलते हैं
शॉपिंग करते हैं आप दोनों की थोड़ी सी। मैं बस थक गया यार। हैं? अरे जो कपड़े लेने मेन आए थे निकल नहीं सारे, पहले श्राद्ध के लिए रोक के रखा, पहले नवरात्रे में ही ले गया तो कपड़े भाई आज ले गए। ऐसे तो बैठ रखे थे पाएगा थक गए। तो हिल के नहीं देते आप घर से, हिलते ही नहीं आप घर से। हिला हूं। कल तो, अरे हिले कहा, कल लेंगे कल, कल आज ही, कल तो ऑफिस है आपका, आज ही लेंगे। एक तो कुछ हालात भी थे पहले मूवी वगैरह देखने की, कुछ बैठ बैठ के आलसी हो गए ये लोग, बहुत आलसी, बहुत दुनिया भर के आलसी। आप कहाँ लेंगे यहाँ से कपड़े? मैक्स से। मैक्स का है स्किन वो साइड, ऊपर की साइड। तो मैंने निकले लेनी है अभी, निक्रो का टाइम रह गया। अरे अब निक्रो का ही टाइम है, रात रात में डालने के लिए। यार आप औरत की बात में आगे बात हो रही है, अब तो औरत की बात में आगे बोल रहे हैं, औरत की बात में बोलना है क्या बोलना है इधर से नीचे, नीचे कपड़े लेने हैं, नीचे तो औरतों का सेक्शन है, औरतों का। हम मर्द है मर्द। आप कभी MMS बना दो क्या? ओए YouTube पे डाल दूंगा, बहुत व्यू आएंगे। नहीं पापा का MMS नहीं, तो बेचते रहे मजा आएगा। मेरे जोर बोल रहा है पापा को, तो एक ही पैंट ही पसंद आई बस, बगली है बाहर, धूम्रपान करेंगे बाहर खड़े हो। अरे किसी पूछ लो ना क्या लेना है। मम्मी पापा तो थक गए थे पता नहीं क्या मूवी देख के, थक गए बैठे बैठे, तो मैं अकेला जाके बिलिंग करवा लाया। तो शुक्र है पापा को पसंद आई कोई चीज़ बनाती, नहीं तो जल्दी पसंद, पापा के बहुत नखरे हैं। तो खुद जाके ले आओ तो मस्त रहते हैं, साथ में लेके आओ फिर नहीं। तो चलो चलते हैं हम घर। मुझे तो था कि अब हम घर जाएंगे, एकदम ट्विस्ट आ गया कि तभी पापा मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि रुक जा मैं अंदर ही आ रहा हूँ, क्योंकि पापा ने चेयर देख ली थी जाते हुए, वो मसाज चेयर पे पापा ने मसाज करा ली है, क्योंकि थाईलैंड जाने की तो उम्र चली गई। बैंकॉक बताया तो कब जाओगे? जब तक शादी होगी ना, तुझे हनीमून के लिए भेजना है, तुझे हनीमून के लिए यहीं पे छोड़ देंगे, तेरे चक्कर में हम घुमाएंगे। फिर ठीक है, होगी स्टार्ट। ये वाली ना बॉडी वाइब्रेशन नहीं देती, जैसे हिलाएगी ना आपको तेज, ये वाली वो नहीं वाइब्रेट नहीं करती। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, तुम चले जाओ मैं आ जाऊंगा। क्या आ जाऊंगा मतलब है? हैं ऐसे कैसी शक्ल बना रहे हो अभी, क्या कैसी मसाज दे रही है क्या? बहुत बढ़िया दे रही है। बैंक बैंक को खेला है, बैंक को क्या है वहाँ पे कुछ भी है। और लेने 10 मिनट का है लेना। चलो बोर हो रहे हैं। हाँ बोर क्या, चलो बस 10 मिनट ही होता है, एक मिनट आ जाओ आ जाओ। मैं तभी कह रहा था तुम चले जाओ, मैं 10 मिनट और लेके आता हूँ। हाँ अभी तो भाई चले गए थे बाहर, अभी तो बाहर चले गए थे, बच्चे की तरह मुंह बना के आके चेयर भी लूँगा तो लेडी चेयर, कितनी बड़ी बात है। तुम चले जाते मैं 10 मिनट और लेके आता। तभी मुझे फ़ोन करके कह रहे थे ना, मैं बिलिंग करा रहा था, रुक जा तू बाहर मत आइए। मैं कहा नहीं मम्मी भी बाहर है, मैं भी बाहर आ जाता। कह रहे नहीं नहीं मैं अंदर ही आ रहा हूँ। हाँ आज का दिन बहुत ज़्यादा बेहतर था, काफ़ी सालों के बाद ऐसा मज़ा आया। क्यों? मज़े ही मज़े थे आज के दिन में। सही बात है, बहुत अच्छा दिन। कह रहे पापा, कह रहे मैं भी हूँ। हाँ भाई मैं भी हम हाँ हाँ पता है आप भी हो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन मज़ा आ गया, नज़ारा आ गया आज, मज़ा आ गया ना आज के दिन। बहुत मज़ा आया। अच्छा 27 साल बाद फिल्म देखी, और फिल्म भी VIP सीट पर बैठ के देखी, उस सीट पे मतलब बैठ के नहीं लेट के देखी, मजा आ गया भाई। मेरा दिल खुश होता है जब माँ बाप खुश तो अपन भी खुश। तारा तो ये लगता था कि जैसे कि स्क्रीन पे जैसे हम देखते हैं चश्मा लगा लो तो ऐसा लगता था हमारे पास आ रहा था। एक बार का डर भी गए थे ना जब हम कंच का कंच टूटा, मैं आंखें बंद कर ली, मम्मा तो साइड पे हो गई एकदम, मैंने आंखें बंद कर ली कि कंच आ रहा बिल्कुल सामने। तो उसके साथ जो लार्ज तू लाया था क्या कहते एक एक कोक और पॉपकॉर्न का, कौन सा पॉपकॉर्न था चीज़ कैरेमल,
बहुत टेस्टी था वो पॉपकॉर्न। हाँ चॉकलेट वाला आप कह रहे हैं मैं खाऊंगा नहीं, मैं कहता हूँ कैरेमल चॉकलेट वाला बढ़िया होगा। और पेंट पेंट को ना बहुत बढ़िया था लाइन, खुद आज का दिन ही बहुत खुश बहुत अच्छा निकला। हाँ और बस पर अगर माना जाए ना तो पापा के हिसाब से सबसे मस्त मसाज चेयर ही थी। और मैं मेरी बात तुमने काट दी, सबसे बढ़िया तो मुझे एंड में लगा जब मसाज हुई मेरी। माई गॉड, मैं तो तुम्हें बोल रहा था कि चले जाओ, मैं 10 मिनट की और मसाज लेकर आऊँगा। हाँ भाई मुझे बताना, पर ऑल ओवर सीन बहुत अच्छा था। तो आपको घर जाता हूँ, आपको थोड़ा रेस्ट करने के बाद मिलूँगा। सो गाइस रेस्ट वगैरह तो हो गया और मम्मी पापा भी सो गए थे। अब उठ के उनका लूडो टूर्नामेंट चल रहा है दोनों का, तो बहुत झगड़ते हैं भाई लूडो के मैच को लेके। तो चलो अभी उठाऊँ, थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ, फिर आके एडिटिंग करूँगा। आप घूमने आया हूँ मैं थोड़ा सा पार्क में टहलने, घूमने तो क्या ही। और भाई साहब पता नहीं क्या हुआ, मूवी देखी है, कुछ खराब भी नहीं, आराम से लेट के मूवी देखी, फिर भी इतनी थकावट हो गई। अभी भी नींद सी आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, मतलब पता नहीं क्या थक गया जितना के घूम लिए, कुछ भी नहीं घूमे यार। पापा में भी आराम से सो लिए, मैं तो जो सो लिया। अब थोड़ी सी वॉक करता हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होएगा, वरना तो अंदर बैठ रहा तो नींद ही आती रहेगी। इनफैक्ट अभी भी आ रही है, अभी भी ऐसा कि बिस्तर मिल जाए अभी भी सो जाऊँगा, पर नहीं सो के तो ऐसे दिन ख़राब करने वाली ही बात है। तो थोड़ी सी वॉक करता हूँ, फिर अपन चलेगा घर की तरफ को। और यार पार्क में आती नहीं है जनता, इतने अच्छे मौसम में, इस मौसम में इतनी मर्जी देर भी घूमते रहो पसीना नहीं आएगा, पर पार्क में आते ही नहीं है लोग, पता नहीं क्या हो गया दुनिया को। चलो खैर मैं थोड़ी सी वॉक करता हूँ और फिर चलते हैं घर, घर जाए करूँगा एडिटिंग और ये व्लॉग को करता हूँ यही एंड। तो चलो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दे वीडियो और अपने माँ बाप की सेवा करो। बाय बाय, लव यू।